छिंदवाड़ा के माहुलझर थाने में मालखाने में रखी पिस्टल के गायब हो जाने का मामला सामने आया है। पिछले दिनों माहुलझर पूर्व थाना प्रभारी भूपेंद्र दीवान ने अपने स्थानांतरण के दौरान पिस्टल को मालखाने में जमा कराया था। इसके बाद नए थाना प्रभारी केवल परते ने अभी तक पिस्टल अलॉट नहीं कराई थी और शनिवार शाम को अचानक पिस्टल गायब हो गई, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया और फिर बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया। मामला संज्ञान में आने पर एसपी विवेक अग्रवाल ने माहुलझर थाने के मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक संतराम बाइकर और उनके सहायक को पिस्टल उनकी अभिरक्षा में गायब हुई है, इसलिए उन दोनों के खिलाफ धारा 409-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब मामले की जांच चल रही है। सर, ये माहौलझर में शासकीय पिस्टल नहीं मिलने का मामला सामने आया है, इसमें सर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कारण इसमें समझ में आया है अभी तक? थाना माहौलझर में प्रधान आरक्षक मुहर्रिर जो मालखाने का इंचार्ज होते हैं उनका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर के बाद नए अधिकारी को चार्ज देने के लिए चार्ज लिस्ट तैयार की जाती है। उस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि एक पिस्टल जो शासकीय पिस्टल थी वो वहाँ नहीं मिल रही है, तो इसकी जांच की गई और प्रथम दृष्टया चूंकि शासकीय संपत्ति उनकी सुरक्षा में रख पाई गई थी, उनकी जिम्मेदारी थी और उसका वहाँ से न मिलना गंभीर अनियमितता या लापरवाही की श्रेणी में आता है। तो चूंकि ये शासकीय संपत्ति इनको अमानत के बतौर रखने को दी गई थी और उसमें ये वस्तु नहीं मिल रही है, अतः उसमें धारा 409 IPC का प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया गया है और जाँच चल रही है। अभी उनको निलंबित भी कर दिया गया है नियमानुसार और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इसमें जो पिस्टल है उसको हम पता लगा लेंगे उसका और प्राप्त कर लेंगे। मामले की जांच चल रही है, नए तथ्य भी कुछ सामने आते हैं तो उससे अवगत कराएंगे।